भारत में पूरी 9वीं शताब्दी अगर किसी नाम से रही तो वो सम्राट मिहिर भोज के नाम से रही। उन्होंने न सिर्फ अरब के मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोका बल्कि भारत को फिर से एक करने की बड़ी भूमिका निभाई। उनकी जयंती के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नई पीढ़ी को मिहिर भोज के इतिहास के प्रति जागरूक किया जाता है ताकि नई पीढ़ी सम्राट मिहिर भोज के आदर्शों पर चलकर क्षत्रिय समाज की आन बान शान को कायम कर सके और क्षत्रियों की गाथाओं को जिंदा रख सके। इसी कड़ी में हापुड़ जिले के पिलखुआ बम्बा रोड पर स्थित आरआर फार्म हाउस पर साठा 84 गांव की तरफ से राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जन्मोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम में साठा 84 गांव के लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में पहुंचे दूर दराज के शहरों से आए मुख्य अतिथिगणों ने राजपूत समाज के उत्थान और एकता का संदेश देकर कार्यक्रम में पहुँचे यूथ को जागरूकता का संदेश दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से इस भव्य जन्मोत्सव में हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का क्या कुछ जागरूकता संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं सुरेश तोमर, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 16 हापुड़ से। आज यहाँ पर हमारा 84 में जो प्रोग्राम हो रहा है, आप सब यहाँ पर आए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और अपनी पूरी टीम का जो पिछले 15-20 दिन से इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, मैं अपनी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके ऐसे सुंदर और बड़े प्रोग्राम करते रहे। क्या कुछ कहना चाहोगे कि युवाओं को किस तरीके से समाज से जोड़ा जाए, कैसे संगठित किया जाए और कैसे उन्हें जागरूक किया जाए? आज मेनली तो ये युवाओं के लिए ही प्रोग्राम रखा गया है ताकि हमारे युवाओं को प्रेरणा मिले, उन्हें हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में पता रहे। जब हमारे युवाओं को महापुरुषों का पता होगा तो तभी वो कुछ सीख पाएंगे। तो ये जो हमने आज क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम रखा है, ये अपने युवाओं के लिए विशेष करके रखा है कि ताकि हमारे युवा अच्छी दिशा में जाएं, अच्छे काम करें और अपने साथियों को, आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दे सके। देखिए, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे क्षत्रिय सम्राट मीर बोध जी की और अनंतपाल तोमर जी की जयंती के अवसर पर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जैसे देख रहे हैं साठा 84 परिवार के इस पावन धरा पर जितने बड़ा कुछ क्षत्रिय बंधु आए हैं उनका भी बहुत बहुत अभिवादन है, वंदन है, नंदन है और चिंतन है और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, इससे आपने एक बात कही है, इसे क्या संदेश जाएगा, तो इससे संदेश ये है कि हमारा क्षत्रिय समाज आज बिखरा हुआ है, उनके जो मानवीय मूल्य और मूलभूत जो हक है उनमें कहीं ना कहीं सरकार की नजरअंदाजी की जा रही है और हमारे समाज के प्रति लगातार कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो समाज को पीछे धकेलने का काम कर रही हैं। और ऐसे आयोजन ना कि एक जयंती के तौर पर बल्कि एक हम संगठित होकर हमारे युवा भाई हैं, बुजुर्गण हैं, उनका आशीर्वाद लें और जितने भी युवा भाई इकट्ठे हुए इनका विचारों का आदान प्रदान हो और हम अपने भविष्य के बारे में, हमारे क्षत्रिय समाज के विषय के बारे में एक चिंतन विंतन कर सके और एक दूसरे से मिलजुल के एक संगठन के तरह कार्य कर सके जिससे हमारा समाज आगे बढ़े, उसका विकास हो सके, उसके जो हक की लड़ाइयां हैं वे हम सब मिलकर लड़ सके, इसलिए इन चीजों का आयोजन होता है। कुछ कहेंगे सर, आने वाली जनरेशन को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से जागरूक करेंगे ताकि समाज गठित हो, संगठित? आने वाली जनरेशन के युवा साथियों विशेष तौर से कहना चाहूंगा
कि जब भी किसी क्षत्रिय भाई के कोई आपदा विपदा आती है, कोई कष्ट आता है, तो सभी क्षत्रिय भाई इकट्ठे होके उस भाई का सहयोग करें। और जैसे कि हमारे देव सिंह जी ने कहा है कि जो एक राजपूती संस्कार जो हमारे युवाओं से आज विलुप्त होता जा रहा है, वे संस्कार अपने अंदर लय आचरण में अनुसरण करें उन चीजों का, जिससे समाज आगे बढ़ सके। और समाज के लिए संगठित होना बहुत जरूरी, किसी भी शक्ति के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। तो युवाओं से अनुरोध है कि सभी भाई संगठित रहें, किसी भी क्षत्रिय भाई के कोई भी दुख तकलीफ है उसमें साथ खड़े होके उसकी मदद करने के लिए खड़े रहें। कोई युवा बच्चा है, खिलाड़ी है, उसकी खुराक की कमी है, कोई गरीब लड़की है, उसकी शादी की में कोई कमी है, और कोई पढ़ाई में बच्चा हुनर है, पढ़ना चाहता है, उसको अगर वे उस सुविधा नहीं मिल रही है, तो उनको सब युवा भाइयों को इकट्ठा होके उसकी मदद के लिए आना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। युवाओं से निवेदन है कि सभी भाई अगर सभा नहीं लगा सकते तो अपने घर एक मीर बोध जी की तस्वीर रख के जन्मोत्सव जरूर मनाओ। जरूरी नहीं है हमें सभा भी लगानी, अगर किसी की नहीं क्षमता है, लगता है कि हम गांव में एक घर है, दो घर है, चुनिंदा है, तो उन्हें घर में बैठ के मनाओ। अगर तुम हर लड़का हर गांव में से एक जयंती जरूर मनाओगे, एक पोस्ट करेगा, तो जो हमारे साथ घटना हुई है इतिहास चुराने की, वो बिल्कुल नहीं होगी। हमने अपने इतिहास को खोना शुरू कर दिया था, बुलाना शुरू कर दिया था, इसीलिए दूसरी जाति ने, दूसरी बिरादरी ने इसका हाथ टेक लिया, अपना बनाना शुरू कर दिया, उसमें गलती हमारी थी, ऐसी गलती ना करें। और हर बिरादरी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, राजपूतों ने पूरे देश के लिए अपना बलिदान दिया, हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, तो ऐसा ना करें, हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचे ऐसा काम ना करें, नहीं तो हम फर्स्ट उठाने में देर नहीं लगेगी, हम हथियार उठाने में देर नहीं करेंगे, ठीक है, ये समझता हूं मैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो बिखराव को, युवाओं से निवेदन है, सबसे पहला युवाओं की यारी दोस्ती, यारी दोस्ती कर लेंगे दूसरी बिरादरी से, और दूसरी बिरादरी के इतने लाड़ चढ़ाव में आ जाएंगे कि अपने ही समाज के युवाओं को पिटवाना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल ना हो। अपने से यारी दोस्ती करो, अपने का सम्मान करो, अगर हमारे दरवाजे कोई बिरादरी आ रही तो उसका भी सम्मान करो, मगर उसके चक्कर में अपने का बनाना कट्टो। निश्चित रूप से हमारे महापुरुष है वो सबके होते हैं, लेकिन आज का जो परिदृश्य है, जिस हिसाब से इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो महापुरुष पूरे भारतवर्ष के हैं, पूरे विश्व के हैं, कि उन्होंने ऐसे महान परोपकारी काम किए हैं, लेकिन इस जनरेशन के लिए संदेश यही है कि ऐसे महापुरुषों के जयंती पे आके हम प्रेरणा लें, और प्रेरणा लेके उनका जीवन कैसा था उस जीवन को हमारे जीवन में ढालने का प्रयास करें, तब तो सार्थकता है, नहीं तो जयंती मनाने की कोई सार्थकता नहीं है। सार्थकता तभी है जब हमारे जीवन में उनका जीवन घटित हो। आने वाली जनरेशन को क्या कुछ संदेश रहे? निश्चित रूप से हम उस मार्ग पर बढ़े जिस पर हमारे मयूरभंज और पृथ्वीराज और जो भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुष के रास्ते पे चल के और उनके जीवन से प्रेरणा लेके और हमारे जीवन में भी वो चीज आए, मतलब मैं भी मयूरभंज की ओर बढ़ू, तो सार्थकता, यही आने वाली जनरेशन के लिए एक संदेश है कि हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करें, अनुकरण करें। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205,
9114781312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।